हेलो एवरीवन, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है गूगल स्कॉलर। देखिए, गूगल के बारे में तो हम सब जानते हैं, हम सब लोग यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, जब भी हमें कोई जानकारी चाहिए होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम गूगल से पूछ लेते हैं। तो गूगल पे हमें हर फील्ड से जानकारी मिल जाती है। मतलब हम स्पोर्ट्स से लेके एंटरटेनमेंट से, अपनी पढ़ाई तक से, कोई मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछना है, मतलब हर फील्ड से जितनी जानकारी है हमको गूगल से मिल जाती है। ठीक, मतलब गूगल पे हम जो भी जानकारी चाहिए होती है, जिस फील्ड से, हम ले सकते हैं, सारी जानकारी होती है वहाँ पे। लेकिन गूगल स्कॉलर थोड़ा अलग है। गूगल स्कॉलर पे ना स्पेसिफिकली हमें सर्च जो स्कॉलरली लिटरेचर होता है उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सिर्फ स्कॉलरली मतलब जो स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो उनका रिसर्च पेपर वगैरह होता है, उससे जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमें गूगल स्कॉलर से मिलती है। गूगल स्कॉलर पे हम वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिकली सर्चेस स्कॉलरली लिटरेचर। ठीक है, जो भी स्कॉलर्स ने वहाँ पे दिया होता है उनकी, और एकेडमिक रिसोर्सेज भी हमें मिल जाते हैं वहाँ पे। सब मिला के पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो गूगल स्कॉलर पे मिल जाएगा, और वो भी पढ़ाई से रिलेटेड हम कहें कि स्पेसिफिकली जो स्कॉलरली लिटरेचर होते हैं। ठीक है, स्कॉलर्स ने जो भी अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह डाले होते हैं वो हमें गूगल स्कॉलर पे मिल जाते हैं। तो गूगल स्कॉलर क्या होती है, गूगल स्कॉलर एक वेब सर्च इंजन है दैट स्पेसिफिकली सर्चेज स्कॉलरली लिटरेचर एंड एकेडमिक रिसोर्सेज। स्पेसिफिकली क्या करती है, स्कॉलरली लिटरेचर सर्च करती है और एकेडमिक रिसोर्सेज भी हमें जानकारी मिल जाएगी। गूगल स्कॉलर प्रोवाइड्स अ सिंपल वे टू ब्रॉडली सर्च फॉर स्कॉलरली लिटरेचर। तो गूगल स्कॉलर हमें एक आसान तरीका प्रोवाइड करवाता है जिससे हम ब्रॉडली सर्च फॉर स्कॉलरली लिटरेचर, मतलब एक वास्ट एरिया का जो हमें स्कॉलरली लिटरेचर से अगर हमें जानकारी चाहिए तो वो हमें गूगल स्कॉलर से मिल जाएगी। फ्रॉम वन प्लेस वन कैन सर्च अक्रॉस मेनी डिसिप्लिन्स एंड सोर्सेज, आर्टिकल्स, दीज थीसिस, बुक, एब्स्ट्रैक्ट एंड कोर्ट ओपिनियंस। मतलब एक जगह से गूगल स्कॉलर से हमें कई तरह की हमें जानकारी मिल सकती है, जैसे कि आर्टिकल्स के बारे में, थीसिस, बुक्स, एब्स्ट्रैक्ट, कोर्ट ओपिनियन। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ और अदर वेबसाइट्स के द्वारा जो ऑनलाइन रिपोजिटरीज होती हैं वो भी हमें गूगल स्कॉलर से मिल जाती हैं। गूगल स्कॉलर का जो वेब सर्च है, वेब एड्रेस ये है। फीचर्स की बात करते हैं गूगल स्कॉलर की, क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला है कॉम्प्रिहेंसिव सर्च। कॉम्प्रिहेंसिव सर्च तो गूगल स्कॉलर अलाउज यू टू सर्च अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन इंक्लूडिंग आर्टिकल्स, थीसिस, बुक्स, कोर्ट ओपिनियंस एंड मोर। तो कॉम्प्रिहेंसिव सर्च में क्या है कि हमें एक वाइड एरिया का जो स्कॉलरली स्कॉलर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें मिल जाएगी एक जगह पे ही, जैसे कि आर्टिकल, कोई बुक, कोर्ट ओपिनियन हो गया, थीसिस हो गया, तो ये सारी हमें मिल जाती हैं गूगल स्कॉलर पे चीज़ें। उसके बाद है ब्रॉड कवरेज। तो ब्रॉड कवरेज में क्या होता है कि अलग अलग सोर्सेज से गूगल स्कॉलर पे एक वास्ट कलेक्शन होता है स्कॉलरली रिसोर्सेज का, जैसे कि एकेडमिक पब्लिशर्स, यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेशनल सोसाइटीज़ के द्वारा कोई रिपोजिटरी जमा की गई है, सबमिट की गई है, तो वो सारी भी यहाँ पे हमें गूगल स्कॉलर पे मिल जाती है। यहाँ पे ब्रॉड कवरेज होता है, अलग अलग सोर्सेज से जो भी स्कॉलर लिटरेचर होता है, रिसोर्सेज होती हैं, वो अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। उसके बाद है साइटेशन ट्रैकिंग। तो साइटेशन ट्रैकिंग में क्या होता है, साइटेशन का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए एक किसी स्कॉलर ने, रिसर्चर ने अपनी कोई पब्लिश करी है, कोई भी जर्नल या एक्टिविटी रिसर्च पेपर उसने पब्लिश किया है, और कोई और स्कॉलर इसके अपना कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है, और वो इसके जर्नल से, मतलब इसके रिसर्च पेपर से जानकारी कुछ ले रहा है और अपना इस रिसर्च पेपर बना रहा है, तो उसको हम कहेंगे साइटेशन, ये साइट कर रहा है। तो मतलब जितना ज़्यादा किसी एक रिसर्च पेपर का साइटेशन होगा वो उतना बढ़िया, मतलब उससे ज़्यादा लोग जानकारी ले रहे हैं, ठीक, उस रिसर्च पेपर को यूज़ कर रहे हैं। तो साइटेशन ट्रैकिंग भी होती है गूगल स्कॉलर से माध्यम से। तो गूगल स्कॉलर अलाउज टू ट्रैक साइटेशंस ऑफ आर्टिकल्स एंड पेपर्स। कोई भी आर्टिकल पेपर का साइटेशन कितना हुआ है इसकी जानकारी हमें देता है, हेल्पिंग सी हाउ अ पर्टिकुलर वर्क हैज़ बीन रेफरेंस्ड एंड बिल्डिंग अपॉन प्रीवियस रिसर्च। तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्क कितनी बार रेफरेंस में लिया गया है, ठीक है, किसी भी एक रिसर्च पेपर को बनाने में। तो साइटेशन ट्रैकिंग का भी फीचर हमारे पास गूगल स्कॉलर पे उपलब्ध है। उसके बाद है एडवांस सर्च ऑप्शंस।
तो गूगल स्कॉलर पे एडवांस सर्च ऑप्शंस है, वन कैन रिफाइन दियर सर्च बाय यूजिंग एडवांस ऑप्शंस सच एज ऑथर, पब्लिशन डेट एंड स्पेसिफिक कीवर्ड्स टू नैरो डाउन दियर रिजल्ट। तो मतलब कोई एकेडमिक रिसोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए है तो हम अपनी सर्च को रिफाइन कर सकते हैं, उस ऑथर के बारे में अगर हम टाइप करेंगे तो आ जाएगा, पब्लिशर डेट वगैरह हम दे सकते हैं, कोई कीवर्ड है स्पेसिफिक तो वो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, जानकारी हमें गूगल स्कॉलर दे देगा। उसके बाद है एक्सेस टू फुल टेक्स्ट। तो गूगल स्कॉलर प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स एंड पेपर्स इफ़ दे आर फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन और इफ़ वन हैव एक्सेस थ्रू दियर इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी। तो यहाँ पे एक फुल टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी, फुल टेक्स्ट आर्टिकल और पेपर प्रोवाइड करता है कौन, गूगल स्कॉलर। उसके बाद है अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन। तो अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन में क्या है कि आप नोटिफिकेशन और अलर्ट सेट कर सकते हैं गूगल स्कॉलर में, जब कोई नया आर्टिकल या पेपर पब्लिश होगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ये सारी कुछ फीचर्स हैं गूगल स्कॉलर को, आप जाके देख भी सकते हैं, गूगल स्कॉलर आप जाके क्रोम में टाइप कीजिए, आ जाएगा, आपका ईमेल अकाउंट होगा ना तो उससे चल जाएगा, तो आप भी देख सकते हैं और जो ये फीचर्स हैं कैसे काम कर रहे हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद बेनिफिट्स की बात करते हैं और लिमिटेशन की बात करते हैं। तो बेनिफिट में सिंपल यही जो हमने डिस्कस किया ना उसकी फीचर्स वही चीज़ है, वाइड कवरेज होता है, मतलब एक बहुत ही वास्ट रेंज का आपको स्कॉलरली लिटरेचर मिल जाएगा, ठीक। क्विक और इजी होता है ये कि यूज़र फ्रेंडली होता है और एक सिंपल सर्च इंटरफेस आपके पास होता है जिससे आप जो भी रेलिवेंट आर्टिकल और पेपर है वो इफिशियंटली आप उसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। उसके बाद साइटेशन ट्रैकिंग का इस पर बेनिफिट होता है, पता चल सकता है हमें कि इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रिसर्च हेल्पिंग आइडेंटिटी इन फ्रेंडशिप पेपर और ऑथर, कौन किस को कितना पेपर को ही है तो उसको साइटेशन कितना हुआ है ये पता चल जाता है। और अलर्टेड अपडेट्स भी होता है कि हम नोटिफिकेशन और अलर्ट हम इस पर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फुल टेक्स्ट एक्सेस मतलब सिंपली जो हमने फीचर अभी डिस्कस किया वही उसका बेनिफिट है। लिमिटेशन की बात करते हैं कि क्या इसमें कुछ कमियाँ हैं। तो देखिए लिमिटेड क्वालिटी कंट्रोल, लिमिटेड क्वालिटी कंट्रोल में क्या है ना कि गूगल स्कॉलर पे जो सोर्सेस मौजूद है, जो भी मान लीजिए कोई रिसर्च पेपर है, कोई भी चीज़ है वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो पीयर रिव्यूड और नॉन पीयर रिव्यूड सोर्सेज से हो गया। पीयर रिव्यूड या पीयर रिव्यूड सोर्सेज क्या होते हैं कि पीयर रिव्यूड जो सोर्सेज होता है ना उसको बहुत बढ़िया से इवेल्यूएट किया गया होता है एक्सपर्ट के द्वारा, उस एक्सपर्ट ने उसको बहुत बढ़िया से इवेल्यूएट किया होता है। तो मतलब वो जो सोर्स है वो बहुत अच्छा है, हमारे ट्रस्ट कर सकते हैं उसमें, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी सही है। और नॉन पीयर रिव्यूड जो होता है वो उतना अच्छे से इवेल्यूएट नहीं किया गया होता है। तो गूगल स्कॉलर पे दोनों ही है, पीयर भी है नॉन पीयर भी है, तो ये अब यूज़र पे डिपेंड कर रहा है कि वो अब पता लगाए कि कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला उतना ट्रस्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये लिमिटेड क्वालिटी कंट्रोल हो जाता है इसका। तो सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिटिकली इवेल्युएट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पब्लिकेशन यू फाइंड, तो उसकी सच्चाई आपको पता कर ली पाइए, जो भी आपका पेपर या पब्लिकेशन आप पता कर रहे हैं तो आपको पता कर लेना है कि पीयर रिव्यूड है या पीयर रिव्यूड नहीं है। उसके बाद है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या है कि गूगल स्कॉलर पर जो भी रिसर्च पेपर या पब्लिकेशन है तो क्या हो सकता है ना कि सिर्फ उसमें एब्स्ट्रैक्ट दिया हो सकता है और सारी चीज़ें उसने दी नहीं हो, हो सकता है वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन जिसने लिया हो उसके लिए हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ही मिल पाती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप कोई रिसर्च पेपर ऐसे भी देखते हैं ना तो सिर्फ पहले क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है, फिर यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे होते हैं और उसके बाद जो भी शुरू होता है इन्फॉर्मेशन वगैरह इंट्रोडक्शन चीज़ें रहती हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट ही सिर्फ यहाँ पे दिया और सारी इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी एक लिमिटेशन है इसका। उसके बाद है लैंग्वेज बायस, तो पक्षपात लैंग्वेज के तब में किस तरीके से पक्षपात होता है कि गूगल स्कॉलर क्या है इंग्लिश लैंग्वेज एप्लीकेशन फेवर करता है ये, तो इससे कोई और लैंग्वेज में अगर एक्सेस करना चाहता है, कोई जानकारी लेना चाहता है तो वो चीज़ नहीं हो पाती है यहाँ पे। उसके बाद है सर्च एल्गोरिदम, तो सर्च एल्गोरिदम में क्या होता है, तो द सर्च एल्गोरिदम मे नॉट ऑलवेज प्रायोरिटाइज द मोस्ट रेलिवेंट और रिसेंट आर्टिकल्स रिक्वायरिंग एडिशनल एफर्ट्स टू रिफाइन सर्च रिजल्ट। तो मतलब मान लीजिए कोई चीज़ सर्च करना चाहता है तो क्या करता है यहाँ पे कि जो सबसे रेलिवेंट या फिर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली जो आर्टिकल रहती हैं तो वो ये नहीं है कि अपने आप जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही वो रिफाइन कर दे, सबसे पहले अपने आप यहाँ पे दे दे, आपको एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप जिसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसको टाइप बढ़िया से करना पड़ेगा। तो ये क्या है गूगल स्कॉलर के बारे में जानकारी है।